ये इस पेड़ के यहाँ पे एक साथ बहुत सारी चिड़िया इकट्ठी हो रही है। वेलकम टू द ब्लॉग, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग के अंदर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त रहेंगे। आज वाकई में हर फिर से मौसम जोरदार हो गया, हल्की हल्की बूंदाबूंदी भी हो रही है। 3-4 दिन तक बारिश नहीं थी, आज वापस बारिश स्टार्ट हो गई और ऐसा अलर्ट भी है तो 2-3 दिन तक कंटिन्यू बारिश आएगी और होनी भी जरूरी है, क्योंकि 3-4 दिन तक बारिश नहीं आई तो लोगों की जो फसलें हैं वो सूखने का घर पर। बारिश तो बहुत जरूरी चाहिए। रात के ब्लॉग की शुरुआत भी मैं अलर्ट करता हूँ, अभी जस्ट वीडियो एडिट करके अपलोड करके आया हूँ। सबने खाना खा लिया, फिलहाल मैं भी खाना खा लेता हूँ। खाना कभी का बना हुआ है, भोजन कर लेते हैं। आज कल्लू को भी हमने जल्दी अंदर ले लिया क्योंकि बारिश आ गई थी ना, इसलिए इसको भी मज़ा आ गया, फटाफट अंदर आ गया। ये देख लो, वैसे भी लेना तो पड़ता ही है लेकिन क्या, थोड़ा जल्दी ले लिया इसको। ये देख लो, इन कन्नू महाराज को इधर इसने टॉयलेट कर दिया यहाँ पे। अब ये खड़ा का खड़ा कभी कहीं खड़ा है, जब तक यहाँ पे सफाई नहीं होगी तब तक ये बैठेगा भी नहीं। इनकी पोजीशन ये देख लो, और वो भी बिछाने का चाहिए इनको। हाँ वो आज वो बोरी भी गिली है, अब ये कारपेट बिछाना पड़ेगा इसके लिए। ये कारपेट बिछाएंगे, पूरा कारपेट भी इसने गंदा कर रखा पूरा, लेकिन बैठेगा बिछाने के ऊपर ही से। क्या कर, मस्त झिलमिल झिलमिल बारिश हो रही है, बढ़िया मौसम हो रहा है। ये मौसम वापस 2-3 दिन के बाद होगा, 2-3 दिन तो फुल धूप आई थी, आज वापस मौसम बना है बारिश का। ये इस मक्की का जो पत्ता है वो बिल्कुल वाइट वाइट आया एकदम से, ऐसा क्यों हुआ पता ही नहीं पड़ रहा। गंगा भी हमारे पूरे दिन भर थक जाती है और फिर यहीं पे आके बैठती है आराम से, पीती है आराम से। आगे थोड़ा सा पानी भरता है इसकी, अब लेबर आएगी, मिस्त्री लोग आएंगे, फिर लोग इसे सही करा देंगे एक बार, ताकि यहाँ से पानी निकल जाएगा बाहर। और वैसे भी इसके पीछे बन जाएगा तब इसको पीछे ले लेंगे। 3-4 दिन से फिर बारिश थी नहीं, पूरी कड़क धूप निकली, लेकिन आज फिर से बारिश आ गई तो बढ़िया मौसम हो गया, सुहाना मौसम हो गया, शानदार। और जो हमने सब्जी के ने पौधे उगाए थे ना उनको भी प्रॉपर पानी मिल गया आज। तो कल तो देना पड़ता है, कल अपने को देना पड़ता, मोटर चला के पानी चलाना देना पड़ता उनको। वैसे फिर भी नमी तो है जमीन में क्योंकि बरसात आने से बढ़िया रहा है। 4 दिन तक कंटिन्यू कड़क धूप निकली तो कोई नमी नहीं रहती फिर वो, फिर तो थोड़ी लेकिन फिर भी थी क्योंकि वो क्या घर के पौधे हैं, वो जंगल के पौधे नहीं है। जंगल के पौधे चल जाते हैं, जंगल के पौधे चल जाते हैं, वो घर के पौधे वो चलते नहीं। जो क्यारी तेने गहरी खोद के बनी ना उसमें अच्छा डेवलपमेंट हुआ, ठीक है ना। हाँ लेकिन इधर जो ऊपर मिट्टी चढ़ा के करी नीमल दादा ने वो भी ठीक है, लेकिन एक बार काम चल जा रहा है। हाँ क्योंकि इतनी कुछ है बाकी हुआ काम अच्छा मतलब दोनों का, लेकिन हाँ बड़ी गहरी क्यारी उसके लिए चाहिए जिसमें कंद होता है। तो अपने उसके अंदर आलू हो गए, आलू हो गए, ये क्या है कि हल्की जमीन होती है पोची के वो वो उस वाली वो लास्ट वाली में अपन ने मूंगफली उगाई है वैसे भी, नहीं चल जाएगी सब में चलेंगे, नीमत दादा वाली में भी चलते हैं बढ़िया। हाँ कम से कम अपन खाए जितने बुट्टे तो हो ही जाएंगे ना। हाँ एक दो एक दो हाँ मिल जाएंगे अपने। ये वाले जो जब जो फ्रंट वाले जो गैलरी है ना, ये लंबी ये कितनी चौड़ी है, अच्छी बात है। हाँ आराम से पलंग लगा के सो सकते हैं, कितना शानदार। ये बढ़िया चौड़ी है, ये 5 मतलब 6 फीट के लमसम हो गई, 5 फीट है। हाँ 5 फीट की गैलरी हो गई, बढ़िया अच्छा रोल सके शानदार है। यहाँ पे तो क्या गर्मी के टाइम पे है ना, आराम से पलंग लगा के सो जाओ गर्मी के टाइम पे। अब मच्छर की हाँ हालांकि यहाँ पे पंखा लगा दो तो मच्छर की दिक्कत भी नहीं, वैसे बालकनी होती है तो फायदा है।
ये कैसे बैठा दोगे लकड़ी पकड़ के एकदम से? किस विचार के अंदर पता ही नहीं पड़ रहा। दशरथ मान जी। हाँ दशरथ मान जी, हाँ दशरथ मान जी ऐसे बैठा हुआ नहीं। कब आगे कौन सी जगह समतल करनी है सोच के, विचार मग्न एकदम। हाँ दादा भाई कहीं विचार में एकदम तो ही? है मिलेगा फल, फल देगा भगवान, मेहनत करी उसका। जो मेहनत करी उसका फल 100% मिलेगा और पूरा मिलेगा, बिल्कुल शानदार। ये ऐसा लग रहा है गांव में किसी घर में सांप वाप निकला है ना। ये इस पेड़ के यहाँ पे एक साथ बहुत सारी चिड़िया इकट्ठी हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई खतरनाक जानवर हो सकता है जो इनके अंडे खाने के लिए आया हो। मतलब जानवर इन द सेंस या तो सांप हो सकता है या कोई भी ऐसा रेंगने वाला जीव हो सकता है जो इनके अंडे खाने के लिए आया हो, इसलिए हल्ला कर रहे हो। ज्ञान अपन पूरी सही बात है। इधर किसी के सांप निकला था तो यहाँ पे छोड़ने के लिए आए थे गांव में, क्या ये भी अच्छा किया कि इन्होंने बेचारों ने पकड़ के इधर छोड़ दिया, तो बेचारा व्यवस्थित उसकी जगह पर चला गया, सही है नहीं? अब इनको देख लो, ये इनकी खुद की पूंछ खाने लग गया आजकल तो। इधर टॉयलेट कर दिया, उधर टॉयलेट कर दिया, बैठने की जगह बिल्कुल नहीं रखी और बेड भी नहीं लाए। कैसे मेरे कन्ना महाराज है, ये खतरनाक है। पास में जाएंगे भी मारता है, मारता है एकदम से, मारता है जबरदस्त। इसके टॉस मिला है इसके अंदर, टॉस के साथ में इस कागले को भी खा जाएगा, बाकी खा ही नहीं रहता है। ये नहीं खाएगा और ऐसे मिक्स कर जाएगा, मुश्किल है, खाएगा ही नहीं अभी। अब उसको खुशबू आएगी, खुशबू खुशबू आएगी, इधर उधर मुंह घुमाएगा बस, कुछ नहीं करेगा वो। मस्त मूंग की दाल रोटी और साथ में प्याज ले लिया और खाना खा लिया मस्त। ये खाना खा के आप अंदर अंदर ही बैठे, बाहर अभी घूमना कदर से खाली नहीं, क्योंकि सब ये जो खाली प्लॉट पड़े हुए हैं उधर सब जगह झाड़ियाँ हो रही है, क्योंकि बारिश का मौसम है, झाड़ियाँ हो रही है और साइडों में भी झाड़ियाँ हो रही बहुत सारी, तो क्या बाहर घूमना कदर से खाली नहीं। अभी क्या शाम बिच्छू का डर जाता है, गर्मी होती है, उमस होती है तो बाहर निकल रही है। अभी भी उधर निकला था तो इधर ला के छोड़ा था, अब उधर ला के उस सांप को इधर ला के छोड़ा, क्या मालूम वही इधर उधर घूम रहा हो, तो इसलिए बाहर जाना ही नहीं, अपने घर में बैठो मस्ती से, पंखे की हवा खाओ, घर घर के अंदर ही घूम जाओ बस, चीज़ें कोई बेस्ट रहता अभी बारिश के मौसम में खतरे ही रहता। तो फिलहाल मस्ती से यहाँ बैठे हैं और आनंद ले रहे हैं। फिलहाल दोस्तों घड़ी में 10:30 हो चुकी है और हमारे घर में सब लोग जल्दी सोते हैं, मुझे भी और सब जो सोच हो केवल मैं बैठा हूँ, तो फिलहाल अब मुझे भी सोना पड़ेगा क्योंकि लाइट लगती रहेगी ना सब डिस्टर्ब होएंगे। तो फिलहाल आज के ब्लॉग को यहीं पे विराम करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और सदा मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।